कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, अभी एक लेटेस्ट वीडियो थोड़ी देर पहले डाला है मैंने, और एक और वीडियो लर्निंग वीडियो पे हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड पे। ओके, क्रेडिट स्प्रेड पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जस्ट रिसेंट वीडियो में, कि यदि हम मार्केट का वेव देखते हैं, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है ये। जैसे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, मार्केट 17,950 पे है ये, समथिंग, सॉरी ये लाइन थोड़ा गड़बड़ रहा है, यहाँ पे है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो सबकी हम मान के चलते हैं कि 100% रहती है प्रोबेबिलिटी, तो 33 33 33, तो संभावना है कि ऊपर जाने की संभावना 33%, बीच में रहने की संभावना यानी यहीं पे 33%, नीचे जाने की संभावना 33%। तो यदि हम इनमें से दो को पकड़ लेते हैं, दो मोमेंट को पकड़ लेते हैं, तो हमारी संभावना ऑटोमेटिकली, प्रोबेबिलिटी जो है 66% हो जाएगी। और आपको पता है फ्यूचर ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारे पक्ष में रहेगा मार्केट। आप कहीं पे भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, व्यू क्लियर हो ना हो, जो भी हो, वैसे भी ज्यादातर जो है ऑप्शन सेलिंग के लिए ही ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, मतलब ज्यादातर टाइम क्या है, ऑप्शन सेलर ही ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि थीटा उसके फेवर में रहता है। टाइम जो है वो रुकता नहीं, वो ऑटोमेटिक जाते जाते, जितना मार्केट टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड रहेगा, उतना ही ज्यादा ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट मतलब हम ऑप्शन सेल बेस्ड स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, वो भी कम मार्जिन में, स्प्रेड के साथ में, ठीक। लास्ट हमने देखा था कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, मार्केट वहीं पे रहे या वहां से नीचे चले जाए, मतलब दो हमारे पास हो गया। एक तो कंडीशन ये कि मार्केट यहीं पे रहे, दूसरा कंडीशन ये कि मार्केट नीचे चले जाए। तो ये दोनों केस में हमको प्रॉफिट होना ही है। इससे पहले जो अब हमने डेबिट स्प्रेड बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही फायदा होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो भी फायदा होगा, मार्केट बहुत ज्यादा या बहुत नीचे ऊपर ही जाएगा तो ही फायदा होगा, लेकिन वहीं कहीं पे रहता था तो हमको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, वहीं पे रहेगा तो भी फायदा, अब हम कॉल क्रेडिट बनाए थे तो नीचे जाएगा तो भी फायदा। ऐसा अभी हम आज की वीडियो में फिलहाल हम बनाते हैं पुट के लिए, ठीक है। ठीक, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, कॉल क्रेडिट था तो क्रेडिट हो रहा मतलब आप सेलिंग किए हैं, तो कॉल सेलिंग करना मतलब आपका व्यू बेरिश है, ठीक है। वहीं पे रहे या बेरिश है मतलब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं जाने वाली है, आपको पता है नीचे जाएगी जाएगी, कहाँ तक जाएगी नहीं पता, यहीं भी रहे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये था। अब अभी का जो आपका है पुट क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं, पुट क्रेडिट स्प्रेड। तो नाम पुट है, जिसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेरिश है, पुट का मतलब ये है कि आप क्या करने वाले हो, कि आप पुट को राइट करने वाले हो, ठीक है, सेल करने वाले हो, मतलब आप बुलिश हो मार्केट में। ओके, तो आप इसको फिर से हम समझते हैं, निपटी गई है, 17,950 का है। अभी हम क्या करेंगे, पुट पे जाते हैं, सबसे पहले इसको हम पुट कर लेते हैं। ओके, अभी 17,950 मान लेते हैं, 17,950 ये है, 944 को स्पॉट प्राइस आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, 96 रुपये लगभग 100 के आसपास है, ठीक है। और 100 के आसपास हमको क्रेडिट मिला तो इससे नीचे, ठीक है, हम हेजिंग करना है, तो 17,850 हमको हेज करना है पोजीशन को, ताकि हमको कोई ओवरनाइट रिस्क ना रहे, ज्यादा डर ना रहे कि मार्केट कहीं भी चला गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम इसीलिए हम इसको ऑप्शन को बाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम बाई करेंगे, ये सेल है, इसको हम कर दिए बाई, एड पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पे ऑफ चार्ट में जाके देखते हैं, सॉरी ये मैंने पहले वाले को, ये कुछ और ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अपन देखेंगे। कॉल क्रेडिट वाले को मैंने हटाया नहीं था, तो एक बार फिर से ये बाई किए थे, तो मैं इसको दिक्कत नहीं कर देता हूँ, ठीक है। और ये 17,950 को है, ये पुट को हमने क्या किया था, सेल किया था। ओके, अब आई थिंक सही बना होगा, हाँ ये बना है। अब आपको देखेंगे इसको, तो जब हम पिछली वीडियो को देखोगे आप, बुल कॉल स्प्रेड वाला, ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड पे आप जाके देखेगा उस वीडियो को, कि उसका प्रोबेबिलिटी कम रहा होगा। हाँ ये अच्छा था कि उसमें रिस्क कम रहता है, मैक्स लॉस जो है कम होगा और मैक्स प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। समथिंग मान के चलो 3,000 का आपका लॉस है,
तो 5 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2 हज़ार का प्रॉफिट है और लगभग 3 हज़ार का नुकसान आपका मैक्स जो है। ठीक, बट प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे 55% लगभग आपको दिखाई रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये प्रोबेबिलिटी देखिए, ये 55% आपको दिखा रहा है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट 2000 समथिंग मान लीजिए, मैक्स लॉस 3000 मान लीजिए, और यहाँ पे ब्रेक इवन देखिए 17911। अभी कहाँ पे मार्केट 17950 पे है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे 17950 पे। आपने क्या किया है कि बुलिश व्यू आपका पुट को अपने राइट किया है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट कहीं भी ऊपर जाए, कितने भी चले जाए, आप तो चाहते हैं ऊपर जाए, तो आपको 1990 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही है। ठीक है, और नीचे जाता है तो आपने स्प्रेड तो बना कर रखा है, 3000 का मैक्स आपका लॉस है, और यदि आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है, मार्केट सेंटिमेंट चेंज होगा, तो आप एग्जिट हो सकते हैं। आप ये जो नुकसान है 3000 का, वो एक्सपायरी के डेट में है, मतलब मैं वीकली एक्सपायरी मतलब 23rd को के दिन का दिखाता है। ठीक है, तो आप कभी भी मार्केट से लगता है व्यू गलत हो गया आपका, तो बाहर निकल सकते हैं। बट मैं क्या बताने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी देखिए। ठीक है, यहाँ मार्केट यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे है, अब यहीं पे रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका 66% एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप वैसे ही प्रॉफिट में हो। ठीक है, यहाँ पे रहे या ऊपर जाए, दोनों केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है, बस नीचे जाएगा उसी एक ही केस में आपको नुकसान होने वाला है, वो भी लिमिटेड है, वो भी आप एग्जिट हो जाएंगे, तो ये मैक्स लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रेडिट पुट स्प्रेड। ठीक, क्रेडिट पुट स्प्रेड, यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये मार्जिन तो है 25,000 के आसपास, यहाँ पे देखिए ये जो 1990 रुपये का है। ठीक है, ये मैक्स प्रॉफिट जो मिला है वो क्या है हमारा, ये देखो 1990, और नेट क्रेडिट देखिए 1990 ये वाला। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, हमको जो क्रेडिट मिलता है, मैंने ही वैसे ही बताया कि क्रेडिट है, यहाँ पे देखिए नेट क्रेडिट लिखा है, तो हमको क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि हम ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन कम रहेगा। मार्केट दो कंडीशन में आपके फेवर में आ जाता है, यदि आप कॉल क्रेडिट बनाए हैं तो मार्केट वहीं रहे नीचे जाए तो फायदा, बस एक केस में नुकसान ऊपर जाने पे, पुट क्रेडिट बनाया है मार्केट वहीं रहे ऊपर जाए तो आपको फायदा, बस मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए एक कंडीशन में ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्रेडिट स्प्रेड का फायदा उठा सकते हैं, चाहे क्रेडिट स्प्रेड पुट में बनाया, कॉल में बनाया, पुट में बनाया है तो आपने सेल किया है तो मार्केट बुलिश व्यू है आपका, कॉल का बनाया है तो आपका बेरिश व्यू है। सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल में या पुट में क्रेडिट स्प्रेड को बना के शांति से बैठ सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि देखो मोमेंटम चाहिए बाई के लिए, आपका बेस्ड है डेबिट क्रेडिट है, तो आपने जिस व्यू जिस दिशा के लिए बनाया है वहां के लिए आपको मोमेंटम चाहिए, बुल कॉल मोमेंटम चाहिए ऊपर जाना चाहिए, बियर पुट मोमेंटम चाहिए नीचे जाना चाहिए। ठीक है भाई, वहीं कहीं पे रहेगा तो वहां तो आपको पूरा नुकसान होने वाला है यार, लेकिन यहाँ तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है विन करने की। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहीं कहीं पे रहा और एक दिन बाद आप देखेंगे इसी को, आपने इसको सेव कर लिया तो ये 54-55 है, ये 60% हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मूव किया हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो ये 70% हो जाएगा, इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ते जाएगा डे बाई डे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यदि चाहते हैं कि कम रिस्क में और बिना किसी टेंशन के आप क्रेडिट लेना चाहते हैं और टाइम पास करना चाहते हैं, मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास करे बहुत बढ़िया है, और आपने ज्यादातर देखा ही होगा कि मार्केट जो है टाइम पास ही करता है, बहुत कम समय में आप ये मान के चलें कि 100 बार में जो है वो 30 टाइम ही, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ 25 से 30 बार ही मोमेंटम करता है ठीक ठाक, बाकी 60-65-70% तक जो है मार्केट जो है रेंज बाउंड रहता है, तो उन सारे केसेस के लिए आप इसको बार बार करिए, आपको प्रॉफिट होते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए फिर इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।